यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा नए साल में मिलेगा यूसीसी का ड्राफ्ट, नए साल में काम को आगे लेकर के जाएंगे। यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी ने तेज की तैयारियां, लखनऊ पहुंचे जेपी नड्डा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। रेडियो की कमान संभालने के बाद नीतीश के सियासी स्टैंड पर चल रही अटकलों के बीच गिरिराज सिंह की दो टूक, कहा नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद। जेडीयू में सियासी सरगर्मी के बीच आरजेडी का बड़ा दाव, मृत्युंजय तिवारी ने कहा खरमास के बाद बीजेपी में होगी बड़ी टूट, कई विधायक और सांसद संपर्क में। सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी पर फिर भड़के कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कहा कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है, राज्य स्तर पर सीट बंटवारे को लेकर सहमत नहीं है टीएमसी। आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, अभिनेता विक्टर बनर्जी के घर जाकर की मुलाकात। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, राम मंदिर को लेकर पूरे देश में भारी उत्साह है, लोगों से अपनी भजन रचना साझा करने की पीएम ने अपील की। 22 जनवरी को घर घर में राम ज्योति जलाने की अपील पर संजय रावत का तंज, कहा दीप जलाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं, राम किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व के हैं। यूपी के एटा पहुंचे अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए लोकसभा चुनावों के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी, धर्म का इस्तेमाल करके हो रही है राजनीति। राम मंदिर निर्माण को लेकर धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने विपिन युक्त से कहा कि मोदी सरकार एक्टिव नहीं होती तो अभी भी नहीं बन पाता भव्य राम मंदिर। अयोध्या से पीएम मोदी के जाते ही फूलों और गमलों की मची लूट, पीएम के स्वागत के लिए सजाए गए गमलों को ले गए लोग। ओडिशा के भुवनेश्वर में अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी, बीजेडी नेता मुजीबुल्ला खान और सुलता देवी मौके में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। यूपी के प्रयागराज में भगवान राम का अनोखा भक्त, सिर पर राम मंदिर का मॉडल लगाए राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी, लोगों को अयोध्या दरबार जाने का निमंत्रण दे रहे हैं। अयोध्या में रेत कलाकार रुपेश सिंह ने अयोध्या धाम के उद्घाटन को दर्शाने वाली आकृतियों को रेत पर उकेरा, रेत पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बनाई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर महास्वच्छता अभियान की शुरुआत की, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, उन्होंने बताया असली हीरो। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज यूपी का दौरा, साध्वी रितंभरा के षष्ठी मूर्ति महोत्सव में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह, वृंदावन में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी समय भेजा, इस बार सीएम को यह सुविधा दी कि वो खुद समय तिथि और जगह बताएं, ईडी पूछताछ के लिए अब तक हेमंत सोरेन को 6 समन जारी कर चुकी। बीएचयू आईआईटी की छात्रा से गैंगरेप मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद। महाराष्ट्र के ठाणे में रेव पार्टी पर पुलिस की रेड, छापेमारी में डब्बे युवक और 5 युवती को हिरासत में लिया गया, ड्रग्स और 29 बाइक जब्त। बिहार के नवादा में ठगी का नया तरीका सामने आया, बेबी बर्थ सर्विस के नाम पर लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। बिहार के दरभंगा में भू माफिया का आतंक, विश्वविद्यालय थाना इलाके के वार्ड नंबर 4 में मिट्टी भर तालाब पर किया कब्जा, पुलिस ने की कार्रवाई। राजस्थान के नागौर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, बेटे ने अपने माता पिता और बहन को उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम किया, घर में आतंकियों को शरण देने का आरोप लगाकर घर और गाड़ी को कुर्क किया। मुंबई के संभाजीनगर में हाथ के दस्ताने बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, हादसे में दम घुटने से 6 मजदूरों की जान गई। ब्रजभूषण मामले के विरोध में पहलवान विनेश फोगाट ने अर्जुन अवार्ड लौटाया, अवार्ड लौटाने पीएमओ जा रही विनेश फोगाट को पुलिस ने रोका तो कर्तव्य पथ पर ही विनेश फोगाट ने मेडल छोड़ा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, एक्स पर लिखा बीते 19 महीने में 29% सस्ता हुआ कच्चा तेल, लेकिन जनता को राहत नहीं, कुछ अरबपतियों की जेब भरना सरकार की प्राथमिकता।
भागलपुर में बड़ा हादसा टला। भागलपुर रेलवे यार्ड से लोडर पर लोड कर ट्रेन की बोगी लाने के दौरान हुआ ब्रेक फेल, पुल को तोड़ते हुए गिरी ट्रेन की बोगी। साल के आखिरी दिन और नए साल के शुभारंभ से पहले प्रयागराज में विशेष पूजा अर्चना, लोगों ने घाट के किनारे संगम आरती की। साल 2024 के स्वागत की देश दुनिया में तैयारी, वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती की गई। हैदराबाद के हनुमान मंदिर में साल के आखिरी दिन लोगों ने पूजा अर्चना की, आने वाले साल में सुख समृद्धि की लोगों ने कामना की। साल 2023 के आखिरी दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दिया, अयोध्या के कनक भवन मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। दिल्ली में घने कोहरे और पॉल्यूशन का विजिबिलिटी पर असर, कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी, तापमान में गिरावट। दिल्ली में घने कोहरे का रेल यातायात पर असर, नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक दिल्ली आने वाली 23 से ज्यादा रेलगाड़ियां 2 से लेकर 7 घंटे लेट, यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने निर्धारित वक्त से देरी से ट्रेनें चल रही हैं, अधिकतर रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित। घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम, एयरपोर्ट के आसपास बिछाया घना कोहरा, हवाई सेवा पर असर। देश के उत्तरी इलाकों में कड़ाके की सर्दी, अगले कुछ रोज ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद कम है, दिल्ली राजस्थान यूपी बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड पड़ सकती है। दिल्ली में एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, आज कई जगहों पर AQI का लेवल 425 के पार। राजस्थान के माउंट आबू में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आगाज किया गया, नौका दौड़, मटका रेस, रस्साकशी, मटका दौड़ समेत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम दिखाई दी। हरिद्वार में 6 जनवरी को पतंजलि गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम धामी और कई बड़े नेता होंगे शामिल, स्वामी रामदेव ने घर घर जाकर निमंत्रण दिया। नए साल से पहले हिमाचल में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा, ड्रोन से लाहौल और स्पीति पुल, पुलिस हर गतिविधि पर रख रही है नजर। तमिलनाडु के नीलगिरिस के जंगल इलाके में नए साल का जश्न मनाने पर लगाई पाबंदी, नए साल के जश्न में नियमों के पालन के लिए लोगों से अपील की गई। लखनऊ में नए साल पर पुलिस की युवाओं से अपील, शराब का सेवन कर ना चलाएं वाहन, गाड़ी में क्षमता से ज्यादा सवारी ना बिठाएं, तय समय सीमा पर ही बजाएं तेज आवाज में गाड़ी। हिमाचल के कुल्लू में नए साल के मौके पर बढ़ चढ़कर लोग पहुंच रहे हैं, पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बढ़ाया पुलिस बल, ट्रैफिक नियमों में बदलाव किए गए। शिमला में कड़ाके की ठंड के बीच नए साल पर बड़ी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट, पहाड़ों पर सर्द मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक।